नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। आरक्षण का मुद्दा लगता है अभी थमने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर आरक्षण पर जो सियासी घमासान मचा था, उसे तो सरकार ने किसी तरह थाम लिया, लेकिन आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के एक और सवालिया निशान से सियासत फिर से गर्मा सकती है। दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार यानी 23 अगस्त को CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में लागू क्रिमिलेयर का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये व्यवस्था SC ST में क्यों लागू नहीं हो सकती। साल 2006 के M. नागराज फैसले को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत पर चल रही सुनवाई के दौरान प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन कर रही केंद्र सरकार कई राज्यों और संगठनों की ओर से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और इंदिरा जयसिंह जैसे वरिष्ठ वकील बहस कर रहे हैं, जबकि विरोध में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और वरिष्ठ वकील राजीव धवन बहस कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जिस M. नागराज फैसले का जिक्र किया जा रहा है, उसमें 5 जजों की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि सरकार SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले उनके पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आंकड़े जुटाए। गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि नौकरी की शुरुआत में आरक्षण का नियम तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है तो क्या ये तर्कसंगत होगा कि उसके बच्चों को पिछड़ा मानकर नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए और जिससे परिणामी वरिष्ठता भी मिलती हो। एक और सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान लिया जाए कि एक जाति 50 सालों से पिछड़ी है और उसमें एक वर्ग क्रिमिलेयर में आ चुका है, तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? आरक्षण का पूरा सिद्धांत उन लोगों की मदद देने के लिए है जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और सक्षम नहीं है। ऐसे में इस पहलू पर विचार करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने पर सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने SC ST वर्ग के 1000 साल से पिछड़ेपन को झेलने का हवाला देते हुए कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना सही है या गलत, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तबका पिछले 1000 साल से झेल रहा है। नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान पीठ को समीक्षा की जरूरत है। वही नागराज फैसले का समर्थन करते हुए वकील राजीव धवन ने कहा, नागराज के पहले में संविधान में मिले बराबरी के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन कायम करते हुए व्यवस्था दी गई है। याद रहे कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है, और जब तक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़े नहीं होंगे, तब तक ये कैसे जाना जाएगा कि आगे आरक्षण की जरूरत है कि नहीं। फिलहाल SC ST के प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 29 अगस्त को सुनवाई करेगा।